हक अधिकार के लिए अपने जिला में जीएम से, एसपी से, सीओ से, वीडियो से बात कर रही है। यह नीतीश कुमार जी का कारण यह सफल हो पाया। खासकर अभी के दिनों में 2022 में जब महागठबंधन की सरकार बनी, हमारे नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी की जो दोस्ती हुई और महागठबंधन के कारण जो ये चुनाव हुआ, चुनाव में भी हमारे विपक्षी के जो लोग थे, जो भाजपा की सरकार थी, उन्होंने भी आरक्षण के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वो आरक्षण किसी तरह समाप्त करना चाहता है, वो चाहता है कि अच्छी पिछड़ा पिछड़ा का जो आरक्षण मिला हुआ है वो कैसे समाप्त हो। उन्होंने ट्रिपल टेस्ट की बात की, सरकार ने 2022 में ही ट्रिपल टेस्ट करवा के चुनाव करवाया और अति पिछड़ा आयोग बनाया गया, एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट से भी उसका भी सर्वेक्षण कराया गया। लेकिन आज वो ये जो चुनाव हुआ और हमारे मेयर, डिप्टी मेयर, वार्ड काउंसिलर 6 महीना से काम कर रहा है लेकिन वह उधर में लटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चक्कर में पड़ा हुआ है, पता नहीं कब कोई डिसीजन हो जाए। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, इस मंच से कहना चाहते हैं कि आरक्षण जब तक नीतीश कुमार जी जिंदा है उसको भी आरक्षण भी अति पिछड़ा को समाप्त नहीं कर सकता है। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं महागठबंधन गठबंधन की सरकार को जिन्होंने ससमय चुनाव कराया, आने वाला भी ससमय चुनाव का जो भी रिजल्ट होगा सरकार अपने उचित फैसला लेगी। खासकर जब से नगर निकाय बना आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय महागठबंधन के नेतृत्व में 7 निश्चय पार्ट 1 में हर घर हर गली मुख्यमंत्री हर गली नली योजना का लाभ मिला। खासकर हमारे वार्ड पार्षद के द्वारा हर गली नली के द्वारा जो एक प्राथमिकता के आधार पर वार्ड का कार्यान्वयन किया गया और हर घर अभी सभी जगह आप देख सकते हैं नगर निकाय शहरी क्षेत्र में नालों का निर्माण हो रहा है, रोडों का निर्माण हो रहा है। एक समय हुआ करता था कि हर घर बिजली कैसे आएगी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय 1 में हर घर बिजली पहुंचाने का काम किया है। हर घर शौचालय, एक समय शौचालय का निर्माण होता नहीं था, लोग हमारी माताएं बहने शाम होने के इंतजार करती थी कि किस तरह शाम हो, हम सोच के लिए नली पे गली में झाड़ी के किनारे जाया करती थी। लेकिन नीतीश कुमार जी ने हर घर शौचालय देने का काम किया, आज हमारी माताएं बहने किसी भी समय शौचालय के लिए जाने के लिए तैयार है और नगर निगम क्षेत्रों में 12,000 रुपया अनुदान राशि दिया जा रहा है। खासकर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और ये हमारे डिप्टी सीएम जब से तेजस्वी यादव जी नगर विकास के मंत्री बने हैं, इनके द्वारा अभी जो सफाई की व्यवस्था की जा रही है, डोर टू डोर कचरा प्रबंधन काम किया जा रहा है, कचरा लिए देने का काम किया जा रहा है। खासकर अभी बरसात के दिनों में पूरे बिहार में अभी नगर निगम में स्ट्रॉन्ग वाटर के ड्रेनेज की जो व्यवस्था की गई है, यदि आने वाला समय ये जो बरसात के दिनों में जो शहरी क्षेत्र में जो जलजमाव होता था उसे आने वाले समय में निजात मिलेगा। लेकिन हम सदन के माध्यम से एक बात करना चाहते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री साहब को, तेजस्वी जी को, कि आपने अभी चुनाव करवाया मेयर डिप्टी मेयर का, और मेयर भी पूरे क्षेत्रों में जाके वोट मांगा और डिप्टी मेयर भी वोट मांगा, लेकिन मेयर का अधिकार है लेकिन डिप्टी मेयर का कोई अधिकार नहीं है। अधिनियम 2009 में 2007 में डिप्टी मेयर का कोई अधिकार नहीं दिया गया है, इसलिए हम सदन के माध्यम से भी यह चाहते हैं कि डिप्टी मेयर का भी अधिकार उसको मिले। वो अपने चूंकि वो भी 4500 वार्डों में अपने वार्डों में जाके वोट मांगा है, इसलिए हम चाहते हैं कि उसको अधिकार मिले। और दूसरी बात कि हम अपने मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि मेयर साहब और डिप्टी मेयर साहब और हमारे नगर आयुक्त जो म्यूनिसिपल कमिश्नर होते हैं, म्यूनिसिपल कमिश्नर वहां पे सफारी गाड़ी से आता है, लेकिन लॉ में यदि नियम नहीं दिया गया है, पावर नहीं दिया गया है कि मेयर को गाड़ी मिले, मेयर को तेल मिले, डिप्टी मेयर को गाड़ी मिले, डिप्टी मेयर को तेल मिले, ऐसा भी अधिनियम में नहीं दिया गया है। इसलिए हम मंच के माध्यम से, सदन के माध्यम से मांग करते हैं डिप्टी मेयर मेयर को गाड़ी मिले, उसकी तेल की भी व्यवस्था नगर निगम के द्वारा हो, चेयरमैन को मिले, उप चेयरमैन को मिले। इसलिए खासकर अभी नगर निगम की बात करते हैं तो पूरे बिहार में नगर निगम का दो काम है, टैक्सेशन और सैनिटेशन और टैक्सेशन। सैनिटेशन को भी आउटसोर्सिंग कर दिया गया, टैक्सेशन को भी आउटसोर्सिंग कर दिया गया, दोनों मूलभूत सुविधा आउटसोर्सिंग कर दिया गया। मेयर और डिप्टी मेयर करेंगे क्या, सिर्फ बैठ करके ऑफिस में चाय पीने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं नगर निगम का जो टैक्स का काम है वो नगर निगम स्वतः देखे। खासकर बिहार कटिहार में टैक्स के नाम पर जो आउटसोर्सिंग किया गया है लोग त्राहिमाम है। इसलिए मैं माननीय तेजस्वी जी से चाहते हैं कि कटिहार का रिव्यू एक बार बैठक करें कि वहाँ पे जो टैक्स के वसूला जा रहा है किस आधार पे टैक्स वसूला जा रहा है। इसलिए बहुत कुछ नहीं कहते हुए खासकर हम बराड़ी विधानसभा में हमारा अभी धन्यवाद देते हैं कि हमारे यहाँ 2 नगर पंचायत, एक बराड़ी नगर पंचायत, एक कुर्सला नगर पंचायत सृजित हुआ है। हम चाहते हैं वह जो अभी नया नगर पंचायत बना है उस नगर पंचायत में अधिक से अधिक फंड मिले, चूंकि पूर्व में वह नगर पंचायत में था, निश्चित हमारे एक माननीय ने कहा है कि उसमें पहले इंदिरा आवास, शौचालय, अन्य लाभ मिलता था, लेकिन नगर निगम के क्षेत्र में आने से वो उस लाभ से वंचित होते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो नगर निगम के नगर निकाय के जो नए नवसृजित नगर पंचायत बने हैं पूरे बिहार में उसको अधिक से अधिक बजट मिले ताकि वह भी वह शहर को वह अपने शहर को बना सके। खासकर आज मुझे बोलने के लिए अवसर दिया गया, मैं शरण बाबू को धन्यवाद देता हूँ, माननीय अपने मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ जिसके बल पर मैं यहाँ जीत के आया, आज बोलने का अवसर दिया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य।